प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, रक्षा बंधन, रक्षा के बंधन का त्योहार है। इस बंधन में भाई बहन के बंधन में बंध जाता है और श्रावक संतों की सेवा के बंधन में बंध जाता है। जब कोई धर्म के बंधन में बंधता है तो वह बंधन भक्त और गुरु का बंधन हो जाता है, और जब कोई बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो वह भाई बहन के बंधन में बंध जाता है। कितना बढ़िया, कितना पावन पर्व है, एक दूसरे के बंधन से जुड़ने वाला एक ऐसा पर्व है। इस पर्व में हर भाई को बहन की आवश्यकता पड़ती है। इस समय, इस पर्व में बहन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। बिना बहन के, बिना संतों के वात्सल्य पर्व, जिसे सरुणा पर्व या रक्षाबंधन कहा जाता है, बिना संतों के नहीं मनाया जा सकता। जिस प्रकार से एक भाई को बहन की आवश्यकता हुआ करती है, उसी प्रकार से इस पंचम काल में हर भक्तों को संतों के सानिध्य की आवश्यकता हुआ करती है। यहां पर इतना पावन पर्व आपके बीच में आया है। इस पावन पर्व पर आप देखिए, बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही हुआ करता है, एक बहन भाई की कलाई में राखी बांध करके भाई की कलाई को मजबूत करती है, भाई की रक्षा की भावना भरती है। और एक ही बार राखी बांधते समय अपने भाई से कहती है कि भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, मैं तो ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन भैया मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांध करके जा रही हूं। जब माता पिता के पैर कमजोर होने लगे, उस समय भैया ये हाथ माता पिता के थामने के काम आ जाए। भैया मैं तुम्हारे कलाई में राखी इसलिए बांध रही हूं, जिस घर में मैंने जन्म लिया है, भैया इस घर की पूरी जिम्मेदारी को निभा करके चलना। जो कुल जाति परंपरा के साथ मैंने अपने जीवन को जिया है, भैया इसी प्रकार से अपने पूर्वजों के नियम के अनुसार अपने परिवार को चला करके रखना। ऐसी भावना एक बहन अपने मन में भाते भाते भैया की कलाई में राखी बांध दिया करती है। अब राखी कौन से कलर की बात है? सबकी अलग अलग राशि होती है। राखी कितने बजे बंद है, राखी का भी मुहूर्त हुआ करता है। चलते हैं पहले राखी का मुहूर्त इस समय कब आ रहा है। रक्षाबंधन कब मनाएं? 18 अगस्त को मनाएं या 19 अगस्त को मनाएं? देखिए, यहां पर श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को सुबह 3:44 पर प्रारंभ हो जाएगी, और यह पूर्णिमा रात को 11:55 तक रहेगी। मतलब आपको 19 तारीख को ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाना है। और इस समय राखी कितने बजे बांध है, इसका भी मुहूर्त हुआ करता है। इसका शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:07 से लेकर के शाम को 8:20 तक। एक और ऐसा काल होता है जिस काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल में जब राखी बांधी जाती है तो यह राखी
अपने आप में ही प्रभावशाली होती है, ये भाई को बल देती है। वह प्रदोष काल शाम को 6:57 से चालू होगा और 9:10 तक यह प्रदोष काल चलेगा। अब यहाँ पर किस राशि को कौन सी राखी बांधी जाए, ये तो बड़े सोचने वाली बात है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी की मेष राशि हो तो आप उसे लाल राखी बांधिए। लाल राखी बांधने से भैया का मंगल मजबूत होता है, उसे बल मिलता है। इसके बाद जिसकी वृषभ राशि है वह सफेद राखी बांधे। सफेद राखी बांधने से शुक्र मजबूत हुआ करता है। इसके बाद जिसकी मिथुन राशि है उसे हरे कलर की राखी बांधी जाए, इससे उसका बुध मजबूत हुआ करता है। जिसकी कर्क राशि है उसे आप सफेद कलर की राखी बांधिए, इससे उसका चंद्र मजबूत हुआ करता है। जिस भाई की सिंह राशि है उसे बहन या तो पीले कलर की या लाल कलर की राखी बांध सकती है, दोनों को कॉम्बिनेशन करके राजयोग जैसी स्थिति बना सकती है। इससे भाई का सूर्य प्रबल होता है, अर्थात सूर्य को बल मिलता है। इसके बाद जिस भाई की कन्या राशि हो उसे हरे कलर की राखी बांधे, इससे उसका बुध मजबूत होगा। जिस भाई की यहाँ पर तुला राशि हो उसे सफेद कलर की राखी बांधे, इससे शुक्र को भी बल मिलता है और चंद्रमा को भी बल मिलता है। जिस भाई की पत्रिका में वृश्चिक राशि है उसके लिए यहाँ पर लाल राखी बांधे, लाल राखी से यहाँ पर भी मंगल मजबूत होता है। जिस भाई की धनु राशि हो उसके लिए आप पीले कलर की राखी बांधिए, इससे भाई का गुरु मजबूत होता है। जिस भाई की पत्रिका में मकर राशि हो उसके लिए आप नीले कलर की राखी बांधेंगे, इससे उसका शनि मजबूत होगा। जिस भाई की यहाँ पर कुंभ राशि हो उसे आसमानी कलर की राखी बांधेंगे, इससे भी यहाँ पर भाई का शनि मजबूत होगा। जिस भाई की यहाँ पर मीन राशि हो आप उसे पीले कलर की राखी बांधेंगे, इससे उसका गुरु मजबूत होगा। इस प्रकार से आप राशि के हिसाब से राखी बांधते हैं तो जीवन में भाई को अच्छा प्रभाव महसूस होता है। कहने का मतलब यही है, एक बहन राखी बांध करके भाई के कलाई को कितना मजबूत करती है। एक संत जब किसी श्रावक के कलाई में रक्षा सूत्र बांधता है, उस भक्त की सदा सदा के लिए रक्षा हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। रक्षा सूत्र यहाँ बांधने से यहाँ पर वात पित्त कफ की नाड़ी हुआ करती है, इस नाड़ी को भी बल मिलता है। इससे ऐसा कहा जाता है शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। जैन धर्म में तो ऐसा कहा जाता है जब कोई विधान होता है, अनुष्ठान होता है, पंचरणक होता है, यदि हम धर्म का रक्षा सूत्र पाल लेते हैं तो विधान करते समय किसी प्रकार का सूतक पातक नहीं लगा करता है, इतना बल हुआ करता है रक्षा सूत्र के अंदर। यह पर्व आज आपके बीच में है। मैं कहना चाहता हूं जब बहन रक्षा सूत्र बांधे उस समय यही भावना भाए कि हमारे जीवन में इसी प्रकार से मैं भाइयों को राखी बांध करके इस भारत देश की गरिमा को बढ़ा सकूं। मैं तो आज एक और बात कहना चाहता हूं बहनों से, एक राखी देश के सैनिकों के नाम होना चाहिए।
जो आज बॉर्डर पर खड़े होकर के दिन रात अलर्ट रहा करते हैं, अगर वो सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं। उनकी रक्षा के लिए एक राखी आपको फौजी के नाम होना चाहिए, देश के नाम एक राखी आपको समर्पित करना चाहिए, एक राखी संतों के नाम समर्पित करना चाहिए। यदि संत रहेंगे तो जैन धर्म रहेगा, संत रहेंगे जैन धर्म का प्रभाव रहेगा। तो संत को राखी कब बांधे, नवदा भक्ति के साथ, नवदा भक्ति का व्रत लेकर के, जब तक मैं दिगंबर साधु को आहार दान नहीं करा दूं, यह कार्य श्रावक भी कर सकते हैं, क्योंकि संतों की रक्षा श्रावक करते हैं, श्राविका भी करती है। तो दोनों संकल्प लें, जब तक साधु का आहार ना हो जाए तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, उसके बाद पीछे में रक्षा सूत्र बांध करके नमोस्तु करके आशीर्वाद लेकर के यही भावना पाए, वंदे तद्गुण लब्ध है, मुझे भी आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो, ऐसे भाव अपने मन में बना करके चलते हैं। तो नियम से संत की साधना से आपके जीवन में सदा रक्षा अपने आप होती रहेगी। ऐसे यह पर्व में हम संतों की वंदना करें, संतों के नाम से चौका लगाएं, चाहे संत तुम्हारे चौके में आए या ना आए, ऐसा कहा जाता है। आज के दिन जो श्रावक अपने घर में शुद्ध आहार बना करके द्वारक्षेपण करता है, संतों के आहार के समय का इंतजार करता है, नवदा भक्ति पढ़ लेता है, उसे 3.9 करोड़ राजाओं को आहार दान देने का पुण्य पर्याप्त प्राप्त हो जाया करता है। सबसे बड़ा दान मैं तो कहता हूँ आहार दान हुआ करता है, जो आज तुम्हें देने को मिला है। यदि आप जैन कुल में पैदा नहीं होते, ऐसा मौका फिर आपको जीवन में कभी नहीं मिलता। आज दिगंबर संत को आहार दान, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, वही संकल्प उनके सामने करो, बस मैं साधु की सेवा कर सकूं, पद विहार करा सकूं, तीर्थ यात्रा करा सकूं, और धर्म की रक्षा के लिए एक राखी आप मंदिर से बांध के आइए कि मैं जिनातन की रक्षा कर सकूं। जो मंदिर की व्यवस्था चल रही है, जो मंदिर की परंपरा है, आर्ष परंपरा से चलते हुए मंदिर पर मैं किसी की गलत दृष्टि नहीं पड़ने दूंगा। इस मंदिर के आगम को मैं हमेशा हमेशा के लिए बचा के रखूंगा। उस समय आप अकलंक निकलंक जैसे भाव बनाइए, आपका यह धर्म सुरक्षित रहेगा। पंचम काल है, हुंडाप्सर परिकाल का प्रभाव आप सभी हर दिन देख रहे हैं। मेरा आज यही कहना है कि आप सभी इस रक्षाबंधन को पूरे मनोभाव के साथ बनाएं, बहन के हाथों से रक्षा सूत्र बंधवा करके परिवार की पूरी जिम्मेदारी को निभाएं, धर्म की जिम्मेदारी मंदिर की कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके धर्म की परंपरा को निभाएं, संतों के आशीर्वाद के साथ, संतों की रक्षा के साथ आप रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाएं। यह दिन आपके लिए प्रभावशाली हो, कल्याणकारी हो। राशि के हिसाब से आपको बहन रक्षा सूत्र बांध रही है, बस इसी बंधन में बंध करके अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे तो ही आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। यह है पावन रक्षाबंधन का महापर्व। आज के दिन श्रेयांशनाथ भगवान जी ने निर्वाण पद को प्राप्त किया था, बस उनके नाम का श्रेय इस पंचम काल में सभी भक्तों को मिलता रहे। अकंपराचार्य आदि 700 मुनियों के लिए हम बस धर्म की प्रभावना की भावना भाते रहे, और विष्णु कुमार की तरह हम जिन धर्म को बचा सके ऐसे भाव अपने जीवन में बना के रखोगे तो ही रक्षाबंधन आपके लिए रक्षा बंधन का काम करेगा। जिसने इस प्रकार के भाव नहीं बनाए तो सिर्फ यह रक्षाबंधन
धागे का काम करेगा जो हर साल हम बनाते हैं और भाई को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सिर्फ नाम का रक्षाबंधन है। मैं चाहता हूं यह रक्षाबंधन सिर्फ नाम का नहीं, यह रक्षाबंधन आचरण का रक्षाबंधन होना चाहिए, तभी आपके जीवन में सुख शांति अमन चैन आनंद की अनुभूति हो सकती है। बस आपका जीव धर्म आपके साथ बधा रहे, इसी भावना के साथ रक्षाबंधन महापर्व पर सभी को मेरा। बहने भाई को राखी बांधे, लेकिन पैसों का भाव न रखें, यही भाव रखें कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बस मेरी लाज को रखना, मेरे जीवन में भैया आपके अलावा कोई साथ नहीं है। ऐसी भावना पा करके जो बहने भाई को राखी बांधती है, वही भाई बहनों की लाज को श्री कृष्ण बन के रख सकता है, उनके जीवन का कल्याण कर सकता है। रक्षा बंधन, रक्षा का बंधन है। कहा जाता है परस्परोपग्रह जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हजारों वर्षों में पहली बार पुणे जिले का एकमात्र भक्तामर तीर्थ जो बनेगा संपूर्ण भारत के युवाओं के लिए आस्था का केंद्र। इस अद्वितीय तीर्थ पर निर्माण किया जा रहा है भक्तामर नवग्रह कलश मंदिर, नंद्यावर्त अरिहंत जिनालय, भक्तामर जिनवाणी मान स्तंभ, भक्तामर संत समागम, भक्तामर यात्री आवास, भक्तामर आरोग्य धाम एवं भक्तामर ध्यान केंद्र। अधिक से अधिक संख्या में पधारकर गुरुदेव का कल्याणकारी आशीष अवश्य प्राप्त करें।